रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित अमृत कुंज आश्रम द्वारा रोजाना सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। रानीगंज के मंगलपुर स्थित एसकेएस पब्लिक स्कूल द्वारा विश्व मानविकता दिवस के उपलक्ष्य पर अमृत कुंज आश्रम में जरूरतमंदों को भोजन प्रदान के लिए 25 बोरा आलू, चावल, दाल, बिस्कुट आदि प्रदान किए गए। रानीगंज के एसकेएस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों के नेतृत्व में यहां पर पहुंचकर दाल, चावल, आलू, आटा, बिस्किट सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों का प्रदान किया। इस मौके पर समाज सेवी तथा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अरुण भारतिया, एसकेएस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संदीप कुमार सिन्हा, अमृत कुंज आश्रम के सचिव मुरारी बुचासिया, अशोक बुचासिया, पंकज महेश्वरी के अलावा कई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित थे। आज स्कूल के विद्यार्थियों ने तकरीबन 450 जरूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री प्रदान किए। इस बारे में जानकारी देते हुए अरुण भारतीय ने कहा कि अमृत कुंज आश्रम जो काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। 365 दिन लोगों को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि आज एसकेएस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर जरूरतमंदों के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया। आश्रम में तो 12 महीना रहता है, 12 महीना हम लोग 400-450 आदमी को खिलाते हैं, लेकिन आज एसकेएस स्कूल वाला लोग, एसकेएस स्कूल वाला प्रत्येक साल ही एक दिन खाना वो लोग खिलाता है, और उस दिन वो लोग अपना स्कूल में कलेक्ट करके राशन और बहुत सारा बिस्कुट वगैरह लेके आता है। तो बच्चा लोग आता है, तो इससे सबसे बड़ा बात क्या है कि बच्चों में वो संस्कार पड़ता है, बच्चे आगे चल के दूसरों का भला करने का सोचते हैं। तो हम लोग अमृत कुंज आश्रम से तो यही चाहते हैं कि भाई हर आदमी आए, हर आदमी जुड़े। हम लोग को सबसे ज्यादा ये है कि भाई नए नए आदमी आके सीखे कि कैसे किसको खिलाया जाए, नहीं खिलाया जाए। जैसे आप अपना घर में अगर चेष्टा करें तो 10 आदमी को खिलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग 400-450 आदमी को रोज खिलाते हैं और 7 दिन 7 रखने का खाना। आज एसकेएस वाले आए, बहुत अच्छा लगा, बच्चों में संस्कार पड़ता है। कितने लोगों को खाना खिलाया गया आज? लगभग 450 आदमी आज खाए। वैसे 400 आदमी का हम लोग मोटा मोटी टारगेट करके चलते हैं। काफी सालों से देख रहे हैं अमृत कुंज आश्रम की ओर से प्रत्येक दिन यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ भोजन खिलाया जाता है। 12 साल और क्या देखिए, अमृत कुंज आश्रम गत 12 साल से हर रोज नॉन स्टॉप गरीबों के बीच भोजन वितरण करता है। और अमृत कुंज के जितने भी ट्रस्टीज हैं, मुरारी भैया, डब्बू भैया और भी अदर मेंबर्स जो भी है, जो भी मैनेजमेंट में है, इनका सुबह 1 से 1.5 घंटा इसमें ये खड़े होकर नॉन स्टॉप सर्विस देते हैं। आज इन्हीं से प्रेरित होकर मैं हर साल स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ कि अपने घर से कम 100 ग्राम अनाज लाए, और जब वो 100 ग्राम करके 2-3 हजार बच्चे अनाज लाते हैं तो वो बोरा में हम लोग भर्ती करते हैं और लगभग 25 से 30 बोरा हो जाता है, वो हम लोग यहाँ लाते हैं और अमृत स्कूल के मैनेजमेंट को हैंडओवर कर देते हैं ताकि इनके जो प्रयास है उसमें हम थोड़ा सा इनके भागीदार बन सके। और इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, उनको डोनेशन की भावना जागे, वो जाने कि भाई हम यदि 100 ग्राम चावल देते हैं और किसी गरीब आदमी का पेट भरते हैं तो कितना पुण्य का काम होता है और कितना बढ़िया काम होता है। फ्यूचर में चल के देखिए, यही हमारे रानीगंज के आने वाले बड़े बड़े नागरिक है। 19 अगस्त वर्ल्ड हेमेटेरियन डे में हम लोग सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी जो इच्छा है, जो मन मर्जी की तरफ जो ड्राई फ्रूट्स, चाहे चावल हो, दाल हो, पोटेटो हो, आलू हो या बिस्किट हो, वो डोनेट करें और वो लेके हम लोग अमृत कुंज के पास अप्रोच करते हैं। जो अरुण जी, क्योंकि इनसे मेरा सुविधा है कनेक्ट करने के लिए, तो ये जो है हमारे अमृत कुंज की जो ट्रस्टी के साथ कॉन्टैक्ट करके ये हम लोग को अलाउ करते हैं आके। हम लोग करीब 25-26 बोरा जो ये फूड आइटम जो हम लोग आज डोनेट किए, और मुझे जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ इन लोग से, करीब 400 आदमी को हर दिन ये लोग खाना खिलाते हैं। और हम खुद सोचते हैं जो खाना से बड़ा जरूरत आदमी का जीने में कुछ होता नहीं, तो यहीं से शुरू करते हैं हमारे बच्चे को जीवन सिखाने के लिए। तो हम लोग जो कलेक्ट करके लेके आया हूँ और जो इन लोग को दिया हूँ, मेरे हिसाब से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।